नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्पित और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपने ब्रेक को मैक्सिमम पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए इस वीडियो को और इस वीडियो में हम डिटेल में एक एक पॉइंट्स को देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या वो प्रोडक्टिव तरीके हैं जिसको अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आपका स्टडी में ज़्यादा ध्यान लगेगा और क्या क्या चीज़ों को आपको यहाँ पर से अवॉइड करना है। अनअकैडमी पर कई सारे बैच कोर्सेज भी आपके लिए अब लॉन्च हो रहे हैं और ये स्टार्ट हो चुके हैं 5th of April 2021 से, और यहाँ पर आप इन बैचेस की मदद से क्रैक कर पाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2022। ये हर एक सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कॉमर्स के लिए जहाँ पर इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है, देन उसके बाद आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी ये यहाँ पर बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जहाँ पर आपको हर एक प्रकार के सब्जेक्ट्स यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर डील किया जाएगा और ये जो ड्यूरेशन रहेगा वो 10 महीने का रहेगा, मतलब आराम से अगली बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। साथ ही साइंस के लिए भी यहाँ पर एक बैच स्टार्ट हो रहा है, तो हर एक स्ट्रीम के लिए यहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बार जल्दी से आप इसको अनअकैडमी पर चेकआउट कर लीजिएगा और अगर आप इनमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हमारा कोड APSIRLIVE, जहाँ पर से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अपने अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। सो हमने हमारे बहुत सारे वीडियो में ये बात की है कि आपको अपने स्टडी को ब्रेक्स में परफॉर्म करना है, मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप 45 मिनट्स की स्टडी करें और 15 मिनट्स का ब्रेक लें। तो ये बात तो हमने हमारे वीडियो में बहुत सी बार कही है, लेकिन अब उन 15 मिनट्स का जो आपने ब्रेक लिया है उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज़ को आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने इन सभी चीज़ों को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप इफ़ेक्टिव स्टडी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो इन 15 मिनट्स को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहला जो आप कम कर सकते हैं वो है टेक अ वॉक। तो जब भी आप पढ़ाई आपकी पूरी हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है, बस एक वॉक लेना है। तो जब आप वॉक लोगे तो इससे क्या होगा कि आप अब इतने देर से बैठे हुए थे, बैठे बैठे क्या होता है कि आप एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच जाते हो, और अगर आप उसी पोजीशन में आगे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते हो तो इससे क्या होता है, आप फटीग के स्टेज में पहुंच जाते हो, मतलब आपकी बॉडी बहुत ही पूरी तरह थक जाती है। अब यहाँ पर से अपने को क्या करना है कि अपने को जब अपन वॉक करेंगे तो उससे हमें नेचुरल हवा भी मिलेगी और साथ साथ जो हमारे बॉडी पार्ट हैं वो भी मूविंग कंडीशन में पहुंच जाएंगे, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे और जितनी भी हमारी बॉडी में टेंशन है वो सब भी दूर हो जाएगी। तो हम वापस से जब पढ़ने बैठेंगे तो हमारे जो नेक्स्ट 45 मिनट्स है बहुत ही ज़्यादा हम उसमें इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेच। तो बाय चांस अगर आपके पास वॉकिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। तो स्ट्रेचिंग के लिए आप या तो कर सकते हो बहुत ही सिंपल से जो योगासन होते हैं उनको परफॉर्म कर सकते हो, या फिर आप जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है जिसमें आप अपने हाथों को यूं करते हो सो मतलब वो सारी स्ट्रेचिंग भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इससे भी वापस सेम वही पर्पज सर्व होगा जो वॉकिंग से हो रहा था, जहां पर हम बहुत ही देर तक जब स्टैटिक पोजीशन में बैठते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारा टेंशन आ जाता है और उस टेंशन को दूर करने का काम स्ट्रेचिंग से हो सकता है। नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है फोन अ फ्रेंड। तो ये KBC वाला फोन अ फ्रेंड नहीं है, यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका एक बहुत ही खास दोस्त है जिससे आपका बात करके जो टेंशन है वो रिलीज हो जाती है, तो आप उनसे यहाँ पर बात कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी बात है वो कहीं बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जिससे आपका जो आगे आने वाला स्टडी स्लॉट्स है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक अ क्विक शावर। तो जब आप 45 मिनट का स्टडी यहाँ पर करके आ चुके हैं और 15 मिनट्स में आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल ये काम कर सकते हो कि आप 5 से 10 मिनट का एक शावर लें, यहाँ पर बिल्कुल शावर जो ठंडा ठंडा वहाँ का पानी है वो आपके ऊपर गिर रहा है और इससे आप बहुत ज़्यादा सूदिंग फील करेंगे, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में बैठेंगे तो आपके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी रहेगी और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप दिन में पहली बार ही पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुक अ हेल्दी मील। तो आप अपने लिए ये भी कर सकते हैं कि उन 15 मिनट के दौरान अपने लिए कुछ एक हेल्दी मील को कुक कर लें। अब यहाँ पर कुक करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप किचन में चले गए और वहाँ पर कुछ हेल्दी बना रहे, बिल्कुल ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ आप ऐसी चीज़ों को खा सकते हैं जो कि हेल्दी है, जैसे आप फ्रूट्स को यहाँ पर से खा सकते हैं, आप ओट्स खा सकते हैं, आप योगर्ट खा सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को जब आप कंज्यूम करेंगे तो इससे डेफिनेटली आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उस एनर्जी को आप चैनलाइज कर पाएंगे जब आप आगे स्टडी कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। तो आप उन 15 मिनट के दौरान मेडिटेशन कर सकते हैं जिससे आपका जितना भी स्ट्रेस है टेंशन है वो सब रिलीव होंगी और आप अगले जो आपका स्टडी साइकिल है उसके लिए एकदम तैयार महसूस करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है।
तो फर्स्ट है स्नैकिंग ऑन जंक फूड। तो बिल्कुल आपको ये जो 15 मिनट का गैप है या जो भी आप अपना स्टडी के बीच में गैप ले रहे हैं उसमें बिल्कुल आपको जंक फूड तो कंज्यूम करना ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि चलो 15 मिनट है, डोमिनोज से फटाक से पिज़्ज़ा मंगवाया और उसको खा के चलो अब आगे की पढ़ाई करेंगे। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही स्लीपी स्लीपी फील करेंगे और जो आपका आगे आने वाले स्टडी स्लॉट्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाने वाले हैं। तो बिल्कुल जंक फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड खाना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है टेकिंग अ नैप। तो आपने हर जगह सुना होगा कि 15 मिनट के लिए आप नैप ले लो, लेकिन देखो ये आपको भी पता है मुझे भी पता है कि वो 15 मिनट का नैप कब 2 घंटे में तब्दील हो जाता है यह हमें बिल्कुल पता नहीं लगता है। और साथ ही अगर आप उस 15 मिनट में उठने की कोशिश भी करते हो और उठ भी जाते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा स्लीपी स्लीपी फील करोगे अपने आगे आने वाले स्टडी स्लॉट्स के अंदर। और हम यहाँ से यही आपको रिकमेंड करेंगे कि ये तो बिल्कुल भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप उस 15 मिनट के ब्रेक में एक नैप लें। नेक्स्ट पॉइंट है वॉचिंग अ टीवी, सर्फिंग द वेब, इन सारी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना है क्योंकि अगर आप उस 15 मिनट के दौरान वेब पे चले जाएंगे, सोशल मीडिया साइट्स को खोल लेंगे, अपने फ़ोन को टच कर लेंगे तो फिर वो कब 15 मिनट आपके 2 घंटे में तब्दील हो जाएंगे वो आपको भी पता नहीं लगेगा। और वैसे भी अगर आप 15 मिनट में भी इन सारी चीज़ों को सर्व करोगे तो इससे आपकी आँखों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपकी आंखों पर प्रेशर पड़ेगा तो जो आपका आगे आने वाला स्टडी स्लॉट है उसमें जो आपकी इफिशियंसी है पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अपने को ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव कैफीन आपको नहीं लेना है। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, बस हमारी टेबल पर कॉफ़ी रख लेते हैं और उसको पीते जाते हैं। तो अपने को ये काम भी नहीं करना है। या फिर ऐसे सब्सटेंस जिससे बहुत ज़्यादा कैफीन हमें मिलता है उसको अवॉइड करना है क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी इतना सही नहीं है और लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है हमारे कंप्लीट बॉडी साइकिल को, हमारी कंप्लीट हेल्थ को। लास्ट पॉइंट है अवॉइड ह्यूज मील्स। अब आपको ऐसा नहीं कि जो आप हेल्दी मील कंज्यूम कर रहे हो उसको भी इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर ली कि मतलब आपका पेट एकदम से फुल हो गया। और आपको भी पता है अगर एक बार पेट फुल हो जाता है उसके बाद फिर आपको नींद आने की जो चांसेस रहते हैं बढ़ जाते हैं और उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो बिल्कुल अपने को यहाँ पर जो मील्स हैं एकदम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मात्रा में लेनी है ताकि अपन उससे बस एनर्जाइज फील करें और हमें उससे नींद भी ना आए। तो अन अकेडमी पर आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पर आया है और वो फीचर का नाम है आस्क ए डाउट फीचर। दोस्तों यहाँ पर आप इस आस्क ए डाउट फीचर को यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप अनलिमिटेड डाउट्स को फ्री में इंडिया की टॉप फैकल्टी से यहाँ पर पूछ सकते हैं। आप कितने भी डाउट किसी भी टाइम पर यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको एग्जैक्ट यहाँ पर उसका सोल्यूशन मिलने वाला है और ये जो सॉल्यूशन रहेगा वो एकदम एक्यूरेट भी रहेगा। तो अब आप अपने किसी भी टाइम पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैसे आपको डाउट पूछना है मैं आपको बता देता हूँ। तो डाउट पूछना बहुत ही यहाँ पर आसान है और जैसे आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करेंगे तो आपको आस्क ए डाउट नाम का एक वहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक पिक्चर वहाँ पर डालने के लिए। तो जो भी आपको डाउट आता है बस आपको अपनी बुक में उस क्वेश्चन को यहाँ पर उसका फ़ोटो खींचना है और देन आपको उसको अपलोड कर देना है। देन वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल आप इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिएगा एंड देन आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और आपको वहाँ पर मैथ्स को चूज़ करना होगा। फिर आपको थोड़ी देर में वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ज़रूर से आप इस फीचर को यूज़ कीजिएगा। और दोस्तों आप अगर वहाँ पर कोई आपसे कोड मांगता है तो आप ये वाला कोड वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो कि एपी सर लाइव। आप इस वीडियो को अनअकैडमी आरोग्य पर देख रहे हैं और अनअकैडमी एक ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। आप अनअकैडमी पर CBSE एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में। इसके लिए आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। आजकल अनअकैडमी ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक आइकॉनिक प्लान भी इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको पेरेंट टीचर कनेक्ट भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको स्टडी प्लानर भी मिलेगा जिससे आप और भी बेहतर वे में अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड APSIRLIVE को और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने पर। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके जिसको आप अपने ब्रेक्स के दौरान फॉलो कर सकते हैं और मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बताया कि क्या आपको नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।